आप देख रहे हैं ऑल इंडिया न्यूज 24x7। खबर है कि सुप्रीम कोर्ट के बाहर रेप पीड़िता के आत्मदाह मामले की जांच कराएगी योगी सरकार। बसपा सांसद पर लगाया गया था आरोप। घोसी से बसपा सांसद अतुल राय पर बलात्कार का आरोप लगाने वाली युवती ने बीते दिनों सर्वोच्च न्यायालय के बाहर अपने साथी के साथ आत्मदाह का प्रयास किया था। सुप्रीम कोर्ट के बाहर रेप पीड़िता द्वारा आत्मदाह की कोशिश मामले में योगी सरकार ने 2 सदस्यीय जांच कमेटी गठित कर दी है। जांच टीम 2 सप्ताह में शासन को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। कमेटी में IPS RK विश्वकर्मा व IPS नीरा रावत शामिल है, जो मामले से जुड़ी सभी FIR और हर पहलू की जांच करेंगे। घोसी से बसपा सांसद अतुल राय पर बलात्कार का आरोप लगाने वाली युवती ने बीते दिनों सर्वोच्च न्यायालय के बाहर अपने साथी के साथ आत्मदाह का प्रयास किया था। इसे पहले दोनों ने फेसबुक लाइव किया था। फेसबुक लाइव में युवती ने वाराणसी के तत्कालीन SSP रहे अमित पाठक, तत्कालीन CO भेलूपुर अमरेश सिंह बघेल, दरोगा संजय राय समेत एक न्यायाधीश पर भी बसपा सांसद को बचाने और उसे परेशान करने का आरोप लगाया था। आपको बताते हुए चलते हैं कि CJM कोर्ट ने युवती के खिलाफ जारी किया है गैर जमानती वारंट। वाराणसी की CJM कोर्ट ने 2 अगस्त को युवती के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था। आरोप है कि युवती ने अलग अलग मुकदमों में अपनी उम्र अलग अलग दर्ज कराई है। मामले में कैंट थाने की पुलिस को युवती की तलाश थी।